चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करें, ऑप्शन में ऑल पर क्लिक करके ओके करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, टेस्ट ऑफ लाइफ में आपको वेलकम कहते हैं और मैं हूँ हिरा सादिक। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आज टेस्ट ऑफ लाइफ में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं मजेदार सी देसी चिकन की यखनी की रेसिपी। सर्दियों में देसी चिकन की यखनी का इस्तेमाल बेहद फायदेमंद है। देसी चिकन की यखनी सर्दियों में होने वाले नजला और जुकाम से हिफाजत करती है। यखनी अगर फार्मी चिकन के बजाय छोटी उम्र के देसी चिकन से तैयार की जाए तो ज्यादा ताकत और फायदा देती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हम यखनी के लिए जिस चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक छोटी उम्र का देसी चिकन है जिसके अभी खुर भी नहीं निकले हैं। इस तरह की चिकन से बनने वाली यखनी बेहद फायदेमंद होती है और मजेदार बनती है। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और नोट करते हैं देसी चिकन की यखनी के इंग्रेडिएंट्स। देसी चिकन की यखनी बनाने के लिए हमने जो चिकन लिया था उसको हमने काट कर साफ करके धो के रख लिया है और ये तकरीबन आधा किलो के करीब है। इसके अलावा हमें चाहिए 2 अदद प्याज। यहाँ हमने प्याज को इस तरह से रफली कट करके रख लिया है। साथ में हमें चाहिए 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के, 1/2 टीस्पून लौंग, 2 अदद हरी इलायची, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून अजवाइन, नमक हस्बे जायका। इसके अलावा यखनी को फ्लेवर देने के लिए हम यूज कर रहे हैं 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है लेकिन ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। साथ में हमें चाहिए 2 लीटर पानी। अब हम देगची लेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 लीटर पानी और पानी को बॉईल कर लेंगे। पानी बॉईल हो चुका है और अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। चिकन को हमने पानी में 2 से 3 मिनट बॉईल कर लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, साबुत धनिया, सौंफ, जीरा, अजवाइन, साबुत गरम मसाला, हल्दी पाउडर, नमक, हरी मिर्चों का पेस्ट और अब यखनी को फ्लेवर देने के लिए चिकन पाउडर ऐड करेंगे और अब तमाम मसालों को मिक्स करेंगे। और अब हम इसे चिकन का गोश्त गल जाने तक हल्की आंच पर कुक करेंगे। यखनी को हमने अच्छे से कुक कर लिया है और अब हम चिकन को चेक करेंगे कि इसका गोश्त गला है या नहीं।
आप देख सकते हैं ये स्पून से टूट रहा है, इसका मतलब है गोश्त परफेक्टली गल चुका है और हमारी यखनी बिल्कुल तैयार है। और अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। और अब हम एक बोल लेंगे और इस पर हम छलनी रखकर यखनी को छान लेंगे। चिकन की यखनी को हमने स्ट्रेनर की मदद से अच्छी तरह छान लिया है और अब आप देख सकते हैं कितनी अच्छी यखनी हमारी तैयार हुई है। और अब जो ये बच गया है इसमें से हम चिकन की बोटियों को अलग करके श्रेड कर लेंगे और बाकी का मसाला और हड्डियों को हम साइड कर देंगे। जी तो विंटर स्पेशल में देसी चिकन की यखनी तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए देसी उबले हुए अंडों के साथ। ये बहुत ही डिलीशियस बनी है। सर्दियों में आप इसे बनाइए और एंजॉय कीजिए। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना बहुत ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक कीप वॉचिंग टेस्ट ऑफ लाइफ।